हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत दिनों से जो है वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, पर आज का थोड़ा मौसम ना बहुत अलग है। मतलब ऐसा मौसम है कि आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाया जा सकता है। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह का टाइम है तो आपको अपने गार्डन की शेयर कराते हैं, और आपको मेरा गार्डन कैसा लगा वो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा देख के। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए कुछ ऐसा ये दिखता है। तो टेरेस गार्डन थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार इसके कई सारे एक डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं, और एडवांटेजेस भी हैं वो तो आप जानते ही, मैंने पहले भी बताए हैं। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर स्पेस है आपके पास, टेरेस है, तो आप बहुत ही अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत वाइड आप प्लांटेशन कीजिए, आप लिमिटेड 10-12 गमले से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और अभी देखिए डिसएडवांटेज तो ये हैं कि थोड़ा सा भार भी बढ़ जाता है, जो पुराने कंस्ट्रक्टेड रहते हैं ना मकान, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो देखिए अभी यहाँ पास जो है कुछ चेंजेस भी मैंने किए हैं इसमें, और कुछ दिन पहले, क्योंकि ना अभी साफ़ सफ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आप मौसम चेंज हुआ है, तो विंटर से अब समर की तरफ को ना ये कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया है। तो अभी क्या फुली जो विंटर्स का टाइम भी था ना वो भी इतना अच्छा नहीं गया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अभी तक इतना एक्सपीरियंस है, और मैंने कई बार प्लांट्स में ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो हर मौसम का मुझे अंदाज़ा है कि कैसा होना चाहिए था। और इस बार जो मैंने सीडलिंग वगैरह भी की ना, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो होता है कई बार, अब तो वेदर चेंज नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ के प्लांट्स कैसे चल रहे हैं। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो कुछ ये ना DIY अरेंजमेंट के साथ भी प्लांट हैं, और ये कुछ ऐसे गुलदावदी के, क्रिसैंथेमम बोलिए, उनके मैंने जो भी ये जार में लगाए थे, ये प्लास्टिक की, उसमें ये लगे हुए हैं। तो अब इनका क्या सीज़न चला गया है, तो मैंने इसे साइड में कर दिया है, और यहाँ पर अभी ऐसे ये फ्लावर्स खिल रहे हैं। और ये देखिए, ये अपराजिता का मेरा प्लांट है, तो ये बहुत ही अच्छी बेल बन गया है ऊपर तक, और धीरे धीरे करके इसमें जो है नई लीव्स आने स्टार्ट हो गई, क्योंकि डोरमेंट कंडीशन में चला गया था। तो अब ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा, समर्स में ये फ्लावरिंग करता है, वाइट और ब्लू इसमें दो कलर आते हैं, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा इसके पहले भी। देखिए इसमें इस तरह ना ये सीड्स भी बन जाते हैं, देखिए ये अगर आपको किसी को देना होता है तो आप ऐसे ऐसे सीड्स भी निकाल के दे सकते हैं इसके अंदर, हो सकता है तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये देखिए, या जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये तो ये सीड्स होता है, तो आप इसे ऐसे लगा देंगे तो ये नया प्लांट भी तैयार हो जाएगा इससे, या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आप ना रोज़ की फ्लावरिंग अगर इसे पिंच करते रहेंगे तो सीड्स नहीं बनेंगे, सीड्स बनता है तो फिर प्लांट्स ओवर पावर लेने लगता है, पूरा फोकस सीड्स को बनाने में लग जाता है। तो अभी देखिए थोड़ा सा मैंने इसको भी, कनेर को भी चेंज किया है, ओलियंडर को, तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसा चोटी जैसा वो गुथ देते हैं ना, बांधना जिनको बोलते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो मैंने वैसे कर दिया, तो थोड़ा सा ना एक अरेंज, वेल अरेंज टाइप का ये दिखने लगा है, क्योंकि काफ़ी स्पेस ले लेता है ये ना, बढ़ जाता है जब तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने एक जगह पे इसे कर दिया है, क्योंकि हवा चलने में कई बार, अब जो है हवा भी काफ़ी तेज़ चलेंगी तो फिर गिरते हैं इधर उधर, तो वो सही नहीं है, प्लांट्स भी ख़राब होते हैं, पॉट भी टूट जाता है, तो ऐसा कर दिया मैंने। अब इसमें भी देखिए नई ग्रोथ और फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए, देखिए फर्टिलाइज़र भी देते रहिएगा, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ना अब खाद पानी नहीं देंगे तो फिर प्लांट्स बढ़ेगा कैसे। कई बार लोग पूछते हैं कि आपके प्लांट्स कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे इतनी अच्छी ग्रीन कलर रहता है, ग्रोथ कैसी अच्छी आती है, तो उसके पीछे का यही रीज़न है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले ही, तो ये बहुत ही अच्छा मेरा प्लांट जो है विद्या का हो गया है, जनरली इसे थूजा के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो अब देखिए इसमें भी सीड्स आने लग गए हैं, आप देख रहे होंगे ना ग्रीन ग्रीन कलर के, तो ये भी बहुत ही अच्छा अभी कंडीशन में है। और डेवल बैकबोन में भी ना अभी डोरमेंट कंडीशन से ये उभर रहा है बेचारा, तो अभी आप पीछे देख रहे होंगे मैंने उसे पीछे डाल दिया था, क्योंकि ठंड के टाइम में ना फॉग जो पड़ती है उसमें ठंडी हवाएँ लगती हैं, उस कारण से पूरी जो लीव वो गिरा देता है, तो वो उसमें ग्रोथ नहीं करता है, उस कारण से मैंने उसे अंदर डाल दिया था। अब जैसे ही समर्स, थोड़ा सा गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर उसमें अपने आप लीव्स भी अच्छी निकलने लगेगी। और यहाँ पे मैंने ये रोज़ कॉर्नर बना दिया, आप देखिए, तो यहाँ पे अभी जो है मुझे लग रहा है ये कॉर्नर पे ना रोज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छे मेरे यहाँ पे ग्रो करते हैं और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये मैंने सारे ऐसे कॉर्नर पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी रोज़ आ ही रहे हैं इसमें, और ये देखिए यहाँ पे भी ये टाइगर रोज़ आप जो बोलते हो ना, ये वो हैं, और ये छोटे वाले बटन रोज़ तो अभी इसमें फ़िलहाल ऐसे ही आ रहे हैं।
और ये येलो वाला भी है, ये येलो और रेड का कॉम्बिनेशन। अभी आप जैसे देख रहे हो येलो है, फिर ये थोड़ा थोड़ा जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने लगती है ना, तो ये रेड कलर का हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा देखने के लिए लगता है। और ये मेरा वही पुराना जिगजैग वाला जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही ये सब ग्रो कर रहे हैं। ये मेरे हैंगिंग प्लांटर्स जो मैंने आपको बताया था, पाइप से पाइप DIY प्लांटर, तो ये वो है। अभी देखिए आप ना कई बार पूछते भी हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए तो कटिंग्स वगैरह बीच में मैं कर देता हूँ, डेवल बैकबोन का भी मैंने नहीं किया था, डोरमेंट था, तो अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और अडेनियम्स की भी अपडेट आप लोग मांगते हैं, तो देखिए अडेनियम भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग कर रहा है। और इसका जो कॉर्डेक्स है वो आप देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा, मेरे एक हाथ से भी बड़ा ही हो चुका है, मतलब मेरा पूरा हाथ भी इसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो अभी ग्रोथ बहुत अच्छी है, दो तीन प्लांट्स मेरे डिफरेंट कलर्स के भी हैं इसमें आप देखिएगा। ये वाला मैंने जो अरेबिकम वगैरह मंगाए हैं वैराइटीज़, तो ये अभी तो फ्लॉरिंग पे नहीं है, मतलब फ्लॉरिंग में आ चुका है, मैंने इसे कट भी कर दिया था, तो इससे क्या काफ़ी हैवी हो जाता है ये जब नीचे कॉर्डेक्स इसका निकलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो जनवरी वगैरह में आप कर दिया करिए, जनवरी मिड में तो इसका फ्लॉरिंग सीज़न अब आने लगता है धीरे धीरे। अभी देखिए इसकी ग्रोथ तो मैंने थोड़ा लेट किया था, तो अभी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे मेरे क्लाइंबर वाले सारे प्लांट हैं, तो अभी ये सारे लीव्स गिरा चुके हैं, धीरे धीरे ये ग्रोथ करेंगे। देखिए एलमांडा है मेरा, तो पूरी तरीके से अभी आप देख रहे होंगे एलमांडा में तो फ्लावर्स ही नहीं दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें फ्लावर्स निकल के आते हैं। और बोगनविला, इनका तो ये टाइम ही है, अब ये किंग है इस समय के, तो अब ये धीरे धीरे करके फ्लावरिंग करने स्टार्ट कर दी हैं। और ये मेरी राखी बेल है, देखिए है ना, ये राखी बेल भी मैंने अभी नई लगाई है, दोनों वाली मेरी सूख गई थी समर्स में, बहुत ही ख़तरनाक गर्मियाँ पड़ती हैं यार। आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मियाँ पड़ती हैं आप कमेंट करके बताइएगा, कि नॉर्मल रहती है बिना विदाउट ग्रीन नेट के चल जाता है, कि प्लांट्स में आपको लगाने पड़ते हैं कुछ और डिफरेंट। आप यहाँ भी देखिए, अभी ये देखिए विंटर्स की अभी सारी ये फ्लावर्स आप खिलना स्टार्ट हुए हैं, और ये डिफरेंट मनी प्लांट्स कुछ अभी मैंने अरेंजमेंट किया, मैंने आपको बताया ना, तो अभी मैंने इधर उधर सब सेटल किया हुआ है, तो अभी थोड़ा आपको प्लांट्स देखिए। यहाँ पे ये मेरा फर्न है जो रोज़ या बुके के साथ दिया जाता है, तो ये भी बहुत ही प्यारा दिखता है। बाकी ये देखिए इसकी भी अपडेट आप लोग कई बार मांगते हैं, तो ये बॉन्जाई मेरा हाइबिस्किस का, ये भी अच्छा चल रहा है कंडीशन में। और ये वाला आप देखिए मेरा गुड़हल का, ये भी बहुत ही प्यारा है, इसमें जो है ऐसा बंच में फ्लावर आता है, तो देखिए ये टॉप टू बॉटम हर जगह से ये इसमें फ्लावरिंग आ रही है। तो अभी धीरे धीरे आपको लीव्स कम देखने के लिए मिलेगी। नागचंपा भी मेरा अभी लीव्स में फिर से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी पूरी इसने लीव गिरा दी थी अपना, डोरमेंट कंडीशन में मोस्टली चले जाते हैं जो समर्स के रहते हैं प्लांट्स। और ये अभी मेरा बेला मोगरा दोनों बहुत ही अच्छे से, ये देखिए कलेंचू, इसमें फ्लोरिंग अभी तक बनी हुई है पर अभी ऑलमोस्ट ये जा ही चुका है। इसका भी देखिएगा ये जो लीव्स है ना, अभी सिर्फ ब्राउन टाइप की थोड़ा पड़ने लग गई हैं, तो अभी भी आप चाहो ना इसकी तो कटिंग ऐसे लगा सकते हो, लीव्स को आप तोड़ के लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा नया प्लांट तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मेरे कुछ फ्रूट प्लांट्स की वैरायटी अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में ग्रो कर रही हैं, तो कुछ में तो प्रॉब्लम आती हैं कई बार, समर्स में बहुत हीट वेव्स चलती हैं, उस कारण से इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही जैसे आप मैंने बताया ना कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं टेरेस गार्डनिंग में, तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, दो तीन बार पानी डालना पड़ता है समर्स में, तो आप भी अच्छी केयर करते रहिएगा दोस्तों, नहीं तो प्लांट्स आपके थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। देखिए अभी इसमें एक ये आपको आम दिख रहा होगा मैंगो, कुछ दिन पहले आंधिया भी चली थी, तो पूरे इसमें जो है इसकी जो बॉर बोलते हैं ना ऊपर, वो झर गई, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे ये मेरा मौसम्मी का प्लांट है, अब देखिए इसमें भी ना यहाँ पर सब देख रहे होंगे ये दिख रहे हैं, तो ये अभी नया फर्स्ट टाइम ही है मेरा प्लांट जो अभी जब से मैंने लगाया है, फर्स्ट टाइम इसमें ये फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, तो फ्लावर से अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर फ्रूट बना है, अब साइज़ बढ़ता जाएगा इसका। देखिए ये लीची भी है, तो अभी तो इसमें लीची में एक भी बार मुझे देखने के लिए फ्रूट्स नहीं मिले हैं। और ये मेरा गुआवा का है, तो गुआवा मैंने अभी हार्वेस्ट किया है, 2 से 3 छोटा प्लांट है, अभी बहुत बड़ा प्लांट नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और कीनू तो मैंने आपको दिखाया है, देखिए इसमें फिर से अभी जो है ये फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं ये। और ऐसे ही सारी कंडीशन अच्छी चल रही है, यहाँ पर आप देखिए ये इसको भी मेरा अनार का प्लांट है, तो इसमें भी बहुत ही अभी फर्स्ट टाइम ये फ्रूटिंग किया है, तो 2 साल का है, बहुत मैच्योर प्लांट नहीं है। और मैंने इसको देखिए ऐसे रैप कर देता हूँ मैं, जब थोड़ा सा सनलाइट पड़ती है ना तो उससे कलर क्या ख़राब होता है, तो आप ऐसे रैप कर सकते हो, रैप कर दिया मैंने, तो इसमें धूप नहीं लगती है, तो कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बनता है।
और यहीं पे कॉमन में रहिए, जो मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया, देखिए साइज़ बहुत अच्छा रहे, सब टेरेस गार्डन में है मेरे दोस्तों, तो खाद अच्छा देंगे आप ना, केयर करेंगे तो आपके घर पे भी ऐसे फ्रूट्स आते रहेंगे। और यहाँ पे मेरा ये देखिए आप स्टार फ्रूट है, इसमें भी मैंने अभी हार्वेस्ट लिया है, और बस ऐसे ही कंडीशन चल रही है। देखिए यहाँ पे ये मेरा वाटर लिली, अभी ये भी डोरमेंट में था, धीरे धीरे इसमें लीव्स आप देख रहे होंगे ये भी स्टार्ट हो गई हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेड्स के। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग पे हैं, ये देखिए। और ये देखिए कुछ कॉमन वाले मेरे हाइबिस्कस, ये तो कॉमन ही है। देखिए यहाँ पे ये नई वैरायटी का एकदम भगवा कलर जिसको बोलते हैं ना, वैसा है ये है, और ये ऑरेंज सॉरी येलो का ये टॉप वैरायटी है, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और उसमें वेरीगेटेड एक ये भी है, तो ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब एक साथ आप गार्डन में आते हैं ना, और कई वैरायटीज़ के कई डिफरेंट कलर के आपको फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर आपका मन अपने आप अंदर से खुश हो जाता है। तो ये एक तरह के स्ट्रेस बस्टर भी हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर पे तो आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। और बाकी हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका जो भी कुछ क्वेरी रहती है आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये फर्क एरिया छोटा सा प्लांट लेके आया ना, जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं मेरे चैनल पे, उनको पता होगा मैंने बहुत छोटा सा लेके आया था और इसे लगा दिया, कितना अच्छा चल रहा है अभी ये, है ना। ये सब कैबेज मेरे, तो मैंने सारी आपको ऐसे कवर कर देता हूँ। ये फाइकस देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, ये अब मेरे मोगरे भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये सब मुझे मैंने छोटे से पॉट पे से लगा दिया है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये लगाया है ना इस पर इस ग्रो बैग में, तो इससे भार भी कम हो जाता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी रहते हैं ये, यूवी प्रोटेक्टेड हैं, तो आप ऐसा इसे लगा सकते हैं। देखिए तो ओवरऑल व्यू ऐसा आता है इसका। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, उससे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। सो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।